नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज है अमावस्या, 21 मार्च मंगलवार के दिन दर्श अमावस्या है। ये उपाय वो लोग जरूर करें जिनकी शादी होते होते अटक जाती है। कोई भी बड़ा काम होते होते अटक जाता है। रिलेशन, अच्छे अच्छे रिलेशन अचानक खराब होते हैं। आप देखो, जब भी ऐसा होगा, कोई ना कोई नेगेटिव चीज का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कोई ना कोई नेगेटिव चीज आपके ऊपर छोड़ी जाती है, आपके रिलेशनों को खराब करती है, आपके घर का पैसा बहा करके ले जाती है, शादी नहीं होने देगी, आपके रिलेशन कहीं चलने नहीं देगी। नेगेटिव, मेरे पास दोस्तों इतने केस आते हैं, मोस्ट ऑफ लोगों के केस में मैंने देखा है कि नेगेटिव एनर्जी भेजने वाले इंसान आपके घर के अंदर ही बैठे हैं। लोगों को जलन और ईर्ष्या आज के जमाने में इतनी ज्यादा हो गई है। अगर कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वो सुखी है, तो उसके खिलाफ संयंत्र करना, लोगों को तैयार करना, उसकी चुगली करना, निंदा करना, कैसे भी लोग के दिमाग को कन्विंस करना कि इसको हटाओ, ताकि हम तुम तो एक जैसे हैं, चलता रहेगा, है ना। ऐसे लोग बहुत, मतलब राक्षसी स्वरूप के होते हैं, और ये घर में ही होते हैं, कई बार बाहर के भी होते हैं। तो अमावस्या वाले दिन ऐसे तमाम लोगों की एनर्जी को उठाकर फेंकने का एक बहुत अच्छा दिन है। ये उपाय जरूर करें जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, आपको बेचैनी लगती हो हमेशा, अंदर से आप खुश ना रहते हो, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, मेरी हर जगह हार हो रही है, हमेशा आपके शरीर में आलस रहता हो, जोड़ों में अचानक दर्द हो जाए, शरीर में कभी भी दिन हो या रात हो अचानक दर्द होना, और बिना किसी दवाई के मिट भी जाना, अचानक सोते सोते जग जाना, और जगने के बाद फीलिंग अच्छी नहीं आना, नींद लगता है जिससे कोशों दूर चली गई है, मतलब लाइफ से सुख और शांति दूर हो रही है। तो हर अमावस्या आप इस उपाय को करें, कम से कम 5 अमावस्या तो जरूर करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक आपको नींबू ले लेना है। नींबू में आपको चारों तरफ 4 फूल वाली लौंगे गाड़ देनी है, और जो आपकी कुलदेवी हैं उनका नाम ले लेकर के चारों तरफ आपको उसमें कुमकुम लगा देना है, और ये नींबू आपको अपने हृदय में बिल्कुल टच करके रखना है लगभग 10 मिनट। और आपको यही सोचना है, जो भी नेगेटिव चीज आपकी बॉडी में है अब इस नींबू में जा रही है। ये क्रिया आपको दोपहर 12 बजे के बाद करनी है। 12 बजे से 3 बजे के बीच में आप कभी भी कर लें, लेकिन 2 से 3 के बीच में यदि आप इसको करेंगे तो और भी ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 10 मिनट आप इसको रखें और चुपचाप बैठे रहें, किसी से आपको कुछ भी कहना सुनना नहीं है। उसके बाद में आप एक पान का पत्ता लें और उसमें इस नींबू को रख दें। पान के पत्ते को ऐसे अपनी मुट्ठी में बंद करें राइट हैंड में, और चुपचाप घर से निकल जाएं। जहां चौराहा हो वहां इसको रख करके और वापस आ जाएं। आप इसको कंटिन्यू रखें। कोई भी नेगेटिव चीज जो आप पर की गई है उसकी असर नहीवत हो जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। कोई पार्टिकुलर व्यक्ति आपको पता है कि ये व्यक्ति ये कर रहा है, तो आप बोलो कि उसी के पास जा। आप देखो, कई घरों में, लोगों के घरों में चीजें ऐसी भेज दी जाती हैं, बुरी आत्माएं, अतृप्त आत्माओं को भेज दिया जाता है कि जाओ उसके घर में रहना और वहां ऐसे ऐसा काम करना। तो बेहतर है इन आत्माओं को वही रिटर्न किया जाए जहां से इनको भेजा गया है। इस उपाय को बड़े ध्यान से करें। क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। जय श्री कृष्ण।